नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीप शिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरों की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले अपराध की जुड़ी एक खबर के साथ, जो कि करनाल से है, जहां पर बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल में जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। नकाबपोश बदमाशों ने दो पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर डाली। लूट के इरादे से बदमाशों ने ट्रक मालिक पर फायरिंग की। एक ट्रक चालक और एक चौकीदार को गोली मारी है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई है। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस की टीम जुट चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बदमाशों ने जहां पर दो पेट्रोल पंप पर यहां पर फायरिंग कर डाली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया और इसी के आधार पर अब छानबीन की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें। और देखिए, पुलिस की ओर से अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश है और साथ ही जो बदमाश है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग लगातार लोगों की ओर से की जा रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर ऐसी वारदातों को अंजाम देना अब बदमाशों के लिए काफी ज्यादा हरियाणा में आम बात हो चुका है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, प्राथमिक तौर पर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, चालक और परिचालक की स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए, अलग अलग पेट्रोल पंप पर जहां पर एक स्कूटी सवार बदमाश फायरिंग करता है और वहां से भाग जाता है। पहला पेट्रोल पंप वहां पर एक ट्रक का मालिक बैठा था, लूट के इरादे से बदमाश आया था। हालांकि उस पेट्रोल पंप पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है और गोली चलाकर वो वहां से फरार हो जाता है। का मालिक है उसे वहां पर गोली लगती है और गंभीर हालत में उसे करनाल के कसना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। 500 से 700 मीटर पर दूसरा पेट्रोल पंप, वहां पर भी वो इसी तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जाता है। वहां पर वो गल्ला जरूर साफ करता है, लेकिन कितनी राशि की ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिक तौर पर जानकारी ये मिल रही है कि पैसे ज्यादा नहीं थे। लेकिन वहां पर भी जो सेल्समैन था और चौकीदारी करता था, उस व्यक्ति को भी गोली लगती है और उसे भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया जाता है। दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक जगह का जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने रात को ही कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा अब बाकी जो सीसीटीवी फुटेज अगर हाईवे कोई मिलता है या फिर किसी और दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो वो खंगालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उस बदमाश को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन उसके हौसले आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बुलंद है कि महज 5 से 7 मिनट के भीतर वो दो जगह ऐसी वारदातों को अंजाम दे देता है और अकेला आता है, बेखौफ आता है, गोली चलाता है, कोई डर नहीं है मन में और स्कूटी पर सवार होकर वो वहां से भाग जाता है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इस गुटकी को सुलझा पाती है। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसी जो वारदातें हैं वो भी थमने का नाम लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लड़का है थाली, उसने एकदम गोली चलाई जी सर, वो ड्राइवर बैठा हुआ था यहाँ जी, फिर मेरे सामने मेरे पास भी चलाई जी ऐसे गोली करके जी, वो गोली पड़ी है जी वहाँ। अभी ये एक जो ड्राइवर था उसको गोली लगी है, एक्टिवा पे आया, मुंह बंद हुआ था जिसने 3 फायर किए, उसको गोली लगी है, उसको फर्स्ट एड देते हुए एम्बुलेंस जल्दी से मंगवा कर उसको